कोरोना से जंग जारी है, जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है और इसी लॉकडाउन में कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए एक नया हथियार मिल गया है। लेकिन यह भी रिसर्च में सामने आ रहा है कि जिन शहरों में प्रदूषण ज्यादा रहता है वहां यह वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली वो शहर जिसकी हर सुबह शुरू होती है गाड़ियों की आवाज से, निकलते धुएं से, जहां रहने वाले लोग सांस लेते हैं तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, और इन सांसों में एक बड़ा हिस्सा होता है प्रदूषण का। लेकिन अब दिल्ली बदल गई है, इसकी वजह है लॉकडाउन। ये नजारा है रायसीना पर स्थित मौजूद विजय चौक से दिखने वाले इंडिया गेट का। सब कुछ कितना साफ, हवा सांस लेने लायक है, लेकिन अगर कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन न होता तो शायद अप्रैल के इस महीने में विजय चौक से इंडिया गेट धुंधला दिखाई देता। अब जब हवा साफ है तो इसके फायदे भी दिखने लगे हैं और कोरोना से जूझती दुनिया के लिए उम्मीद की किरण फूटी है। दरअसल दुनिया भर में हो रही रिसर्च से ये निकलकर सामने आया है कि दुनिया भर में फैल रही लगातार महामारी उन शहरों में ज्यादा असर दिखा रही है जहां प्रदूषण सामान्य तौर पर ज्यादा रहता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित वही महानगर और जिले हैं जहाँ प्रदूषण का स्तर सामान्य तौर पर ज्यादा रहता है। समय है, शहर में सब कुछ बंद है, गाड़ियां नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी बंद हो चुके हैं, और ये जो एक इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद पड़े हैं, इसके कारण प्रदूषण बहुत कम हो गया है शहर में। जब हमने सीबीसीबी के आंकड़े देखे तो ये दिखा कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद प्रदूषण बहुत तेजी से घटा है, 26%, 30% से भी ज्यादा इमीडिएटली। वैसे तो कोरोना नाम का वायरस अब महामारी बन चुका है और सभी चाहते हैं कि जल्द इससे निजात मिले, लेकिन ये मुश्किल वक्त में सबक देने वाला है। इस लॉकडाउन ने हमें अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर सोचने पर मजबूर किया है। मौजूदा समय में कई लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, जिससे सड़क पर ट्रैफिक गायब है और हवा साफ है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों को मिल रहा है जिन्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, जैसे अस्थमा, बीपी और उन बीमारियों के मरीज को जो सांस से जुड़ी। अब साफ हवा के साथ ही सभी मरीज कोरोना से भी मजबूती से लड़ पा रहे हैं। कि पिछले कुछ साल में जो नए रिसर्च हुआ है दुनिया भर में, वो दिखा रहा है कि जो देश, जो शहर बहुत प्रदूषित होता है, वहाँ पे ये पैंडेमिक और ये जो वायरस का जो इफेक्ट है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रदूषण के कारण हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो हमारी सेहत है वो अभी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, और हमारे लंग्स अगर वीक हो चुके हैं तो जब इस तरीके के पैंडेमिक होती है तो उससे हेल्थ रिस्क और भी बढ़ जाता है। पर एक और सवाल है, क्योंकि अभी सब जो हवा है वो साफ है, तो इस वक्त शहर में जो वैसे भी बीमार हैं, पीड़ित हैं, जो जिन्हें अस्थमा की बीमारी है, रेस्पिरेटरी की कंडीशंस हैं, कार्डियक कंडीशंस हैं, और प्रदूषण के समय जब इनकी हालत बिगड़ जाती है, इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ जाती है, उस पर हम कुछ हद तक, हमें लगता है कि अभी हम काबू पा सकते हैं। इनकी हालत अब उस तरीके से नहीं बिगड़ेगी अगर बाहर, अगर हवा साफ। सीपीसीबी के आंकड़े बता रहे हैं कि सामान्य दिनों में दिल्ली की हवा जो हमेशा ही रेड जोन में रहती थी, वो पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से ग्रीन जोन में बनी। दिल्ली का प्रदूषण स्तर 100 से नीचे चला गया है, जो ये बताता है कि कोरोना के कारण तालाबंदी भले ही इस वक्त एक महामारी के तौर पर आई हो, लेकिन इस महामारी ने हमें एक साफ हवा तो मुहैया करा दी है। दिल्ली में हवा का प्रदूषण इस वक्त 60-70% तक कम हो चुका है। एक परिणाम, दूसरा परिणाम भी देखने को मिल रहा है वायु प्रदूषण पे, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं और कई तरह के इंडस्ट्रीज भी बंद हैं, तो इसमें प्रदूषण में काफी गिरावट आया है। और खास करके विशेष रूप से हम ये देख रहे हैं कि जो पीक आवर में प्रदूषण होता है ट्रैफिक के द्वारा, वो करीबन 60-70% ये दिल्ली के आसपास के शहरों में और दिल्ली में कम हो गया है, और एवरेज की बात करें तो लगभग 50% की कमी आई है लॉकडाउन के पहले के समय जो वायु प्रदूषण की स्थिति थी और अभी की जो स्थिति है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि, बताता है हमें कि ट्रैफिक का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आज नहीं तो कल कोरोना के नाम की आफत खत्म हो जाएगी और दुनिया इससे आगे निकलेगी, लेकिन देखने वाली बात तब ये होगी कि इस बीमारी से क्या कुछ हम सीख पाते हैं। मौजूदा समय में दुनिया भले ही कोरोना जैसी महामारी से एक जंग लड़ रही हो,
लेकिन इस बीमारी के कारण दुनिया भर में हुए लॉकडाउन के कारण पर्यावरण में आ रहे बदलावों ने हमें अपनी लाइफस्टाइल को लेकर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल ये है कि क्या हम जिस काम के लिए हर रोज सड़कों पर हजारों और सैकड़ों गाड़ियां लेकर उतर पड़ते हैं, क्या वास्तव में वो काम हर रोज घर से नहीं हो सकता? क्या हम सड़कों से अतिरिक्त बोझ को कम नहीं कर सकते जो हमारी हवा और पानी जैसी बुनियादी चीजों में जहर घोल रहे हैं? सवाल ये भी है कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने बच्चों को साफ हवा और साफ पानी ही नहीं बल्कि एक बेहतर कल भी देने में कामयाब हो सकते हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।